वेलकम बैक इन माई अनदर वीडियो। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, अपने बाइक से ट्रैवल करते हैं, अपने कार से ट्रैवल करते हैं। उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बाइक और कार से ही संबंधित आइटम है। वैसे तो आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे ये क्या है, तो आज मैं दिखाने जा रहा हूँ कि ये इसकी क्वालिटी क्या है और ये कैसे वर्क करती है। तो सबसे पहले इसका अनबॉक्सिंग देख लेते हैं। मैंने इसे ओपन कर लिया था। ये है पोर्टोनिक कंपनी का बायो पोर्टेबल टायर इन्फ्लेटर, मतलब टायर में हवा भरने के लिए ये काम आती है। और कैसे काम करती है वो देखिए। मैं इसको लेने से पहले काफ़ी रिसर्च किया था और रिसर्च करने बाद दो हमें पसंद आया था, एक Xiaomi का एक ये। पहले बता देता हूँ कि ये दोनों, मैंने Xiaomi वाला हो या ये हो, ये बैटरी ऑपरेटेड है, मैंने इसमें बैटरी इनबिल्ट रहता है, इसलिए मैंने बताया कि बाइक के लिए भी है। तो मैंने ये ख़रीदा है और काफ़ी अच्छा है, मैंने इसको यूज किया। पहले आपको दिखा देते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या मिलती है। ये मैंने इसे ओपन किया और इसके साथ ही हमें नीचे मिल जाती है वो टायर इन्फ्लेटर। लुक वाइज काफ़ी अच्छी है, स्मॉल है, हैंडी है। ये इसमें टॉर्च भी दिया हुआ है, आप इसको यूज कर सकते हैं अंधेरा में भी। और बताते हैं कि इसमें और क्या क्या है। और कुछ नहीं है। ये है टायर में जो इससे कनेक्ट होगी, ये आपको इसको यहाँ कनेक्ट करना है और ये आपको टायर का इन्फ्लेटर में जाके कनेक्ट करना है हवा भरने के लिए। और कुछ है इसमें? ये इसमें एक वारंटी कार्ड है जिसको आपको ऑनलाइन रजिस्टर करना पड़ेगा। और कुछ नहीं, ये एक USB टाइप सी का केबल दिया हुआ है इसको चार्ज करने के लिए। आपको यहाँ से चार्ज हो जाती है, आप इसको चार्ज कर लीजिए। एक बार फुल चार्ज होने के बाद आराम से चार टायर को फुल भर सकती है और उसके बाद भी आपको इसमें बैटरी बैकअप बचा हुआ रहेगा। साथ में हमें कुछ सॉकेट भी मिल जाती है जो इसके साथ आप इसमें आप साइकिल में, फुटबॉल में या अदर चीज़ में आप भर सकते हैं। ये जैसे हो गया फुटबॉल में हवा भरने के लिए, ये आप मोटरसाइकिल वगैरह में भर सकते हैं या साइकिल वगैरह में भर सकते हैं। और ये कुछ दो और पॉइंट है जिससे आप कुछ और मैंने भर सकते हैं, बैलून वगैरह भी फुला सकते हैं। ऐसे तो बैलून फुला के देखे नहीं है। चलिए ये सब तो ठीक है, ये सब को किनारे रखते हैं और इसके बारे में बात करते हैं। पहले ये है कि ये इसमें आपको यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी, देखिए ऐसे आपको कनेक्ट हो जाएगी, उसके बाद ये वर्क करेगी। और ये कनेक्ट होने के बाद ये आपको टायर के इन्फ्लेटर में लग जाना है और इसको हवा भरेगा। जब हवा नहीं भरना है तो इसको आप ऐसे यहाँ पे लगा के ये ऐसे भी रख सकते हैं, इधर उधर डोलते नहीं रहेगी। ये यहाँ पे एक डिस्प्ले है जहाँ पर इसके बारे में इंफॉर्मेशन देते रहेगी। यहाँ पर कुछ बटन दिए हुए हैं, एक ये सन बना हुआ है लाइट का है, ये प्लस, ये मैनुअल, ये माइनस। और इसे हमें इसमें चूज करना है कि हमें किस में हवा भरना है, मोटरसाइकिल में या फिर मोटरसाइकिल में या कार में, उसको चूज करने के लिए होती है। तो यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। यहाँ है आपको नीचे में इसको चार्ज करने के लिए और ये एक एयर जो इसे लेगा और यहाँ से निकाल के हवा भरेगा। पीछे में भी कुछ होल बने हुए हैं हवा लेने के लिए। और ये है साइड में ये ऑन बटन जिससे ये ऑन हो जाती है। तो इसको आप ऑन करते हैं, यहाँ ये बटन है, इसको ऑन करते ही ये ऑन हो गई। ये नॉर्मली कार के लिए ही बनाया जाता है, इसलिए ये सबसे फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है ये कार का, क्योंकि इसमें अभी कोई भी प्रेशर नहीं है इसलिए 0-0 है। और ये PSI है, मतलब आप PSI जो कार में जो हवा का प्रेशर होता है वो PSI है, PSI नापने का। ये इसका बैटरी इंडिकेटर है कि इसमें बैटरी कितना है। यहाँ से हम आपको इसको चेंज करके, ये स्कूटर आ गया, ये देखिए जैसे ही हम कुछ सेलेक्ट करते हैं, जैसे ही हम सेलेक्ट करते हैं तो इसमें कार का, ये कार आया हुआ कार का जो प्रेशर है, टायर का प्रेशर जो होना चाहिए ये ऑटोमेटिकली फिल किया हुआ है। आप इसको घटा बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है, पर नॉर्मली सभी के लिए, कार का 36, बाइक का 32, साइकिल का 30 और फुटबॉल वगैरह का 9, ये इसका ऑटोमेटिक फिल किया हुआ है जिसमें ये इतना एयर भरेगी। ये जब आप
सिलेक्ट कर लें जिसे आप भरते हैं, जैसे इसको कार में भरते हैं, कार सिलेक्ट करने के बाद इसको कार में लगा दीजिए टायर में, और उसके बाद यहाँ पे एम बटन है, इसको आवाज़ ज़्यादा है इसका, आवाज़ अभी मैंने बंद कर दिया, नहीं तो बोलने में बन नहीं रहा था। तो ऑन करने बाद ये प्रेशर से टायर पे हवा अब भरने लग जाएगी। जैसे ही 36 होगी, जो इसका मेन बनाया हुआ है कि 36 पे ये भरना है, ये अपने आप ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। ऐसे आप इसको, आप जैसे हम दिखाएं कि 32 है बाइक का, तो इसको आप घटा बढ़ा भी सकते हैं, कि अगर आपको ज़्यादा करना है तो आप इसको घटा सकते हैं प्लस करके, या फिर माइनस करके काम कर सकते हैं। नॉर्मली ऑटोमेटिक जो है वो तो रहेगा ही, उसके ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, पर जैसे ही आपको इसको टायर में टाइट करिएगा तो ये प्रेशर आपको बनाने लग जाएगा, और ये नंबर आपको बढ़ते जाएगा, वहाँ तक जाएगा जहाँ तक आप इसका सेट किया हुआ है। साथ में आप एक यहाँ पर बटन दिख रहे होंगे, ये बटन है बल्ब का, ये जो लाइट है ये जल जाती है, जैसे ये देखिए ये लाइट, अंधेरा वगैरह रहने में आपको ये लाइट जलाकर आप उसको यूज कर सकते हैं। आप अंधेरा है, लाइट जलाइए और इसको आप इन्फ्लेट कर सकते हैं और इसको टाइट कर सकते हैं। ये तो थी ये मशीन की बातें। अब ये मशीन कैसा काम करती है और कैसे काम करती है ये तो मैंने बता दिया, अब इसको प्रैक्टिस करके भी दिखाते हैं और कैसा काम करता है उसको बाद आपको बताएंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिए, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, हमारे वीडियो को लाइक करते हैं, तो हमारा मोटिवेशन बढ़ते रहता है और इस टाइप के बढ़िया बढ़िया वीडियो आप लोग के लिए लाते रहते हैं, तो ये जरूर करिएगा। अब वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक भी अभी ही कर दें। तो अभी हम चलते हैं अपने कार के पास, फिर बाइक के पास जाएंगे, उसमें आपको इसको इन्फ्लेट करके दिखाते हैं कि कैसा ये वर्क करता है।